लेडीज सही करता, जहाँ चार गो लेडीज रहता है वहाँ गप नहीं हो सकता, ये होवे नहीं किया है। चुनाव के मैटर में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये कहा है शहर में रोड तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, शहर में तो कहीं रोड नजर नहीं आ रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ चल दिए महाराज? आ गई आपकी भौजी सोनम भौजी आपसे गप करने के लिए। चुनाव की चटपटी बातों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित है। मैं अभी भागलपुर के जीरो माइल चौक पे हूँ और आपसे रूबरू होने आई हूँ। अभी जैसा आप जान ही रहे कि चुनाव का समय है और जो है कि जनता के मन में बहुत उथल पुथल चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो अपनी सरकार से कितना खुश है कितना नाखुश है, अभी तो उनके पास जाएंगे तभी पता चलेगा जी। और क्या कहता है कि उनको जो सर अपने जो नेता लोग के मन में जो चल रहा है, उनके जो नेता के लिए जो उनके मन में उथल पुथल हो रहा है, वो तो उनसे पूछेंगे तब ये पता चलेगा। आइए जानते हैं जो है उनके मन की बात, आइए चलिए। चलिए तो हम एक पहुंच गए चाय की टपरी पे, जहां बहुत सारे लोग दिख रहे हैं चाय वाय पीते हुए। आइए चलते हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हाँ तो अंकल आप ये बताइए कि जो है कि आप आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुड्डू जी है। अच्छा आप क्या करते हैं? अभी तो मैं दुकान चला रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ समोसा। अच्छा ये आपकी दुकान है? जी मेरा। अच्छा तो अभी चाय, जैसा आप जान रहे हैं कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में मतलब जो है कि जनता बहुत कुछ चाहती है, तो यहाँ पे जो है कि आपके शहर की सुरक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल टंच है, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं सुरक्षा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी मतलब व्यवस्था है सारी मतलब सब खुशी से है, सब अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, कोई शिकायत नहीं सरकार? कोई शिकायत नहीं है सरकार। चलिए तो फिर जो है कि आगे चलते हैं, इनको कोई शिकायत नहीं है। आगे भी और कुछ भाई साहब लोग दिख रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। अंकल तो आप बताइए कि जो है कि आपके शहर में सब कुछ अच्छा चल रहा है? जी नहीं, सब कुछ अच्छा कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्यों क्या दिक्कत है? काम कहाँ कुछ नजर आ रहा है हमको, स्मार्ट सिटी का भागलपुर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा अभी तक। कैसे आपको नजर नहीं आ रहा है? शहर में रोड ठीक है? शहर में रोड तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा शहर में इनको कहीं रोड नजर नहीं आ रहा है, बताइए। नगर निगम का वही हाल है, एक भी काम गली गली साफ नहीं होता है, देखते हैं हर एक गली में कचरा पड़ा हुआ रहता है। अच्छा तो कभी इसके लिए शिकायत किए हैं? नहीं हम लोग तो शिकायत नहीं किए। नहीं तो बताइए, आवाज नहीं उठाइएगा तो कैसे सरकार मतलब जो है कि मतलब सरकार तो जो है कि जो भी है, तो आप कैसा क्या सोच रहे हैं सर, परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? परिवर्तन होना चाहिए, हम लोग को भी कहना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते हैं, इसलिए कि जब प्राइवेट काम करते हैं तो अपने काम में रह जाता है एंगेज। अच्छा तब वोट करने नहीं जा पाते, बताइए वोट नहीं दीजिएगा तब फिर मतलब आप अपने लिए कैसा उम्मीदवार चाह रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि कैसा परिवर्तन होना चाहिए? शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए जो समझे शहर की स्थिति को कि क्या काम होना चाहिए क्या नहीं काम होना चाहिए उस विषय पे, और क्या अजय मंडल ऐसा उम्मीदवार थोड़ी चाहिए शहर में। अच्छा अजय मंडल ऐसा, या मान लीजिए अजीत शर्मा भी ऐसा उम्मीदवार नहीं चाहिए। तो इतने सालों से तो वो अपने पद पे हैं, तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे तभी तो वो अपने पद पे अभी तक बने हुए हैं। पद पे तो पैसा वाला बना ही रहेगा, जब तक पैसा रहेगा तब तक बना। ये बात है कि पद पे पैसे वाले बने रहेंगे, चलिए इनका कहना ये है कि पद पे पैसे वाले बने रहेंगे। आइए चलिए यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह और जानते हैं जनता की, चलिए हमारे साथ। चलिए तो हम पहुँच चुके हैं, एक नाश्ते की दुकान है, बहुत ही चटपटा नाश्ता बनता है भैया, आइए देखते हैं। तो आप ये बताइए कि जो है कि आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम अभी कहीं जा रहे हैं? नहीं अभी किसी का वेट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ नाश्ता करने आए थे? हाँ। अकेले कर लिया, हमको कुछ वो नहीं किए, चलिए खा लीजिएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप पूछ लिए वही बहुत बड़ी बात है। ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, हाँ। तो आपको जो है कि कैसा लगता है कि आपका भागलपुर शहर में सब जो है व्यवस्था ठीक ठाक है? हाँ मेरे ख्याल से हम उतना घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तब आपको जो है कि क्या सरकार से खुश है आप? जी नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं क्यों, कोई तकलीफ हो रहा है आपको, कोई कष्ट है? बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताइए, आपका बात ही पहुंचाने आए। रोड इधर पूरा रोड टूटा हुआ है, पूरा टूटा फूटा हुआ है और कुछ विकास भी नहीं हो रहा है। आपको कैसा नेता चाहिए? क्या दूसरा कोई भी आएगा? दूसरा कोई भी आएगा मतलब इनको भी जो है चाचा को परिवर्तन चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं सब परिवर्तन की मांग किए हुए हैं, इधर कोई भी जो है। अच्छा ठीक है, एक जो है कि यहाँ पे एक भैया जी दिख रहे हैं, ये भैया जी से पूछते हैं। तब भैया कहाँ से आ रहे हैं? हम सुल्तानगंज से। अच्छा सुल्तानगंज से आ रहे हैं, क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, तब अभी जो चुनाव का समय चल रहा है, जो भी आपका एजुकेशन में हो या कोई भी क्षेत्र में हो, क्या सब चीज़ से आप खुश हैं? नहीं इतना तो अभी
अच्छा, इतना खुश नहीं है, कोई कमी है क्या? कमी है, अभी सुल्तानगंज से आ रहे थे भागलपुर, इतना अच्छा। बड़ा बड़ा गड्ढा था रोड में। अच्छा, रोड पे गड्ढा? बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा था। तो मतलब कि कैसा, मतलब जो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार जो चुनाव हो उसमें कुछ चेंजिंग होना चाहिए, कोई परिवर्तन होना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। इधर जो कुछ बुजुर्ग सब नजर आ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या है देश का हाल। तब चाचा जी, कहाँ मतलब कहीं जा रहे हैं क्या? पूरा एकदम टिप टॉप में नजर आ रहे हैं? नहीं, टिप टॉप में नजर नहीं, ऐसे घूमने के लिए निकले। अच्छा, ऐसे घूमने निकले, तभी बताइए कि चुनावी माहौल है, तब क्या मिजाज क्या है आपका, कैसा? मिजाज तो हम लोगों का केंद्र सरकार की तरफ है, मोदी की तरफ है, नीतीश की तरफ है, और क्या कहें। हाँ, तो मतलब जो कि आपका जो भागलपुर में सब व्यवस्था है, सब चीज से आप खुश हैं? भागलपुर में जो पहले जीत करके गया है, उसने कुछ नहीं किया। अच्छा। अब दूसरे आदमी को हम लोग वोट देंगे, इस बार दूसरे को वोट दीजिएगा, मतलब कि कैसा कैंडिडेट बढ़िया चाहिए, जो काम चाहिए, क्या कुछ परिवर्तन चाहिए, कोई कमी है क्या? कमी तो बहुत कुछ है, रोज कमी होता है, रोज पूर्ति होना चाहिए। अच्छा, कि चाचा का कहना है कि बहुत कमी है और परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ज्यादातर जो है कि जनता का, आम जनता का यही कहना है कि रोड को लेकर के परेशानी हो रहा है, जगह जगह बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वो जो है कि बनना चाहिए, सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आइए, वो दीदी जी दिख रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, कहीं से आ रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं अभी? मैं पीजी में पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रही हैं, तो अब जैसा कि अभी आपको पता है कि जो चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी बयार बह रहा है चारों तरफ, ठीक है, तो जो है कि इसमें जो है कि आपका मन किधर बह रहा है? मैं पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी जो मतलब विधि व्यवस्था है, जो सुरक्षा, आपको क्या लगता है कि जो इस बार जो सत्ता में आएंगी वो पहले वाले बेहतर है या कुछ चेंजिंग होना चाहिए? चेंजिंग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आइए चलिए देखिए, एक चाचा जी नजर आ गए हैं, बड़ा देर से देख रहे हैं। तब चाचा जी, पूरा एकदम जो है कि कहाँ चल रहे हैं? हम सिल्क मिल का स्टाफ हैं। अच्छा, तो हम लोग का समस्या है। अच्छा, बताइए क्या समस्या? समस्या यही है कि हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, अच्छा, और सरकार नहीं दे करके ये प्राइवेट को लीज पर दे दिया है। अच्छा, इसलिए हम लोग जो है लड़ाई शुरू है, और ये जो अन्याय मेरे साथ किया है बिहार सरकार, कि हम लोग का भुगतान नहीं करके आई प्राइवेट को दे दिया है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है, बताते हैं कि मोदी सरकार बहुत ईमानदार है। हाँ, लेकिन उनको भी अथी दिया गया है रिमाइंडर, उस पर कोई विचार अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, जो और उसके बाद राज्यपाल का स्वीकृति है, डिग्री है भुगतान करने का, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, हम लोग को लटकाए हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं चाचा, जो है आपकी बात को ही हम आए हैं नेताओं तक पहुंचाने के लिए, आप अपना बात। बिहार स्पॉन सिल्क मिल्स का है। जी जी सर, बिहार स्पॉन सिल्क मिल्स का है, हम लोग का हेड ऑफिस पटना इंदिरा भवन है, BIDC है ना, लेकिन हम लोग का लड़ते लड़ते बेदम हो गए, सरकार के यदि कोई केस रहता है तुरंत पब्लिक को पकड़ता है, जेल दे देता है, हम लोग का 2 साल चाचा के बात पे जो है कि हो गया। जी अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, सुनवाई होगा, और जो है चाचा जी के बात पे जो है गौर किया जाए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, एक इधर भी दिख रहे हैं एक अंकल जी। हाँ, तो चाचा जी आप ये बताइए, कहीं जा रहे हैं क्या आप? नहीं, हमारी दुकान है। अच्छा, ये दुकान आपकी है, तो ये बताइए कि जैसे चुनाव का जो मौसम चल रहा है अभी, तो मतलब इसमें जो है कि आपका मन में कुछ चल रहा होगा, कुछ सोच रहे होंगे कि आप अब जो आने वाली जो जनता, अभी जो नेता है आपके, जो सत्ता में आने वाले जनप्रतिनिधि है, वो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? वैसा होना चाहिए जो काम करके दे। जो पिछला जो मतलब अभी तक जो बने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, घर में सोए रहते हैं, दिल्ली घूमते रहते हैं। अच्छा, दिल्ली घूमते रहते हैं, क्या बात कर रहे हैं? जाना आपको 5 घंटे लगते हैं, 30 किलोमीटर जाना होता है, 5 घंटे लगते हैं। ऐसी रोड चाहिए क्या भागलपुर वालों को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो इसके लिए परिवर्तन होना जरूरी है ना, परिवर्तन जब तक नहीं होगा भागलपुर का विकास नहीं होगा। बहुत सारे जी, इनका भी जो है, इनका भी यही कहना है कि विकास होना चाहिए, और इसी के साथ तो आप चाचा जी आप सुन रहे हैं कि इन्होंने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, विकास होना चाहिए, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? मंत्री को भेजे रोड में, यहाँ से तिरुपति सब तक, इतना तब पता चलेगा, हम लोग तो इतना गिर पड़ करके आते हैं जाते हैं। आपको लगता है कि कोई मंत्री आएगा उधर जाने के लिए? कैसे विकास होगा तब, कोई देखने वाला ही नहीं, विकास कैसे होगा? आप लोग आवाज उठाइएगा ना, एकदम आवाज उठाइए, तैयार है, बिल्कुल उठाइए, बिल्कुल उठाइए, और जो है कि परिवर्तन लाइए। इतना जाम, इतना डाइवर्सन होता है कि
15-15 घंटा जाम रहता है। जी देखिए, सबका कहना है कि रोड जो बहुत ज्यादा रोड की जो कहलगांव तरफ की जो NH-80 जो रोड है, जो NH है, उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत खराब है, और जो है कि सरकार को जो है कि उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर जो है कि कड़ा एक्शन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। चलिए आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर जो है लेडीज सब नजर आ रही है। चलिए पूछते हैं इससे क्या क्या चल रहा है। तब दीदी जी, पूरा गपशप हो रहा है यहाँ पे। हो रहा है, मतलब जहाँ चार गो लेडीज सही है कहता, जहाँ चार गो लेडीज रहता है वहाँ गप नहीं ऐसा कहीं होवे नहीं किया है। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि कहीं से आ रहे हैं आप लोग, क्या कुछ करते हैं? हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए दीदी कि चुनाव का जो माहौल है, चारों तरफ चुनाव का गहमा गहमी चल रहा है, तो ऐसे में मतलब कि अभी क्या जो भागलपुर का जो आपका शहर का जो विधि व्यवस्था है वो सब कैसा है आपके हिसाब से? हम लोग के हिसाब से अभी तो ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है, मतलब आगे कुछ कह नहीं सकते हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता, इलेक्शन का टाइम है ना, इसीलिए। अच्छा, अभी इलेक्शन का, तो आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? परिवर्तन तो होना चाहिए। देखिए विधि व्यवस्था तो यहाँ सबसे पहले गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जहाँ अभी यहाँ बस स्टैंड पर हम लोग डेली आते हैं, ऑफिस करके उतरते हैं, बहुत महकता है। कभी पानी पड़ता है यहाँ, अभी उस रोड में जाइए तो इतना पानी, मतलब पानी में घुस के जाते, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। अच्छा। उसके बाद ये रोड के सब गली के सफाई, कभी कंप्लेन नहीं किए हैं आप लोग? कंप्लेन किसको कीजिएगा जिसको कोई नहीं सुनता है? कोई नहीं सुनता है। हाँ, कोई नहीं सुनता है, किसको कीजिएगा कंप्लेन? तब किसके यहाँ आएंगे घूमने तो पहचानते हैं कि ये नेता है। पुल है तो पुल पे इतना जाम लगा रहता है कि सब दिन हम लोग लेके जाम की समस्या है, गंदगी की समस्या है। चलिए कोई बात नहीं दीदी, हम लोग यहाँ पे वही जनता की बात नेता तक जो पहुँचाने आए हैं कि आप लोग को क्या, मतलब आप कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं, कोई बात नहीं, आपने अपने मन की बात बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे आते हैं। प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, एकदम जो कोरोना में सुरक्षित है। चलिए, मतलब कि अभी बताइए कि जो चुनाव का समय चल रहा है, तो जैसे मैं मतलब नेता लोग अपने मतलब अपना अपना लंगोट कस लिए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, तो आप बताइए कि आप क्या सोच के रखे हैं कि आपका जो सत्ता में जो आने वाला जनप्रतिनिधि है कैसा होना चाहिए, जो कि समाज को जो है। अच्छा, अभी मतलब भागलपुर का जो विधि व्यवस्था है आपका, आपके शहर का जो स्थिति है, क्या बिल्कुल आप उससे खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। तो जो मतलब अभी तक जो सत्ता में है अभी तक, तो मतलब कि आप उनसे खुश नहीं है, तो क्या आगे आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि साफ सफाई रहे और सुरक्षित रहे सबको, हम लोग भी उसके साथ सुरक्षित रहें। और भाई सब्जी वाले सब भी दिख रहे हैं क्या चाची? सब्जी उब्जी कैसे दे रहे हैं? ये सब्जी दे रहे हैं, बैगन 40 और करेला 50। बाप रे, महंगाई लेकिन सही है, बहुत बढ़ गया। अच्छा कोई बात नहीं चाची, आगे बढ़ते हैं और आगे जो पूछते हैं, चचा को सब्जी खरीद रहे हैं, तब चचा ये सब्जी कहाँ घर ले जा रहे हैं? अच्छा, तो हमरो लिए कुछ खरीद दीजिए ना। आपके लिए क्या खरीदे? अच्छा चलिए, आप क्या खरीदिएगा, बोल दिए इतने काफी। आप ही बताइए कि जो अभी चुनाव का समय चल रहा है, नेता लोग सब अपना अपना लंगोट कस के तैयार है, जो चुनाव मैदान में जो है तैयार है आने के लिए, तो ऐसे में मतलब कि आपको क्या लगता है, कुछ परिवर्तन होना चाहिए या जैसे चल रहा है वैसे रहने दें? देखिए, इस बारे में तो खैर होनी चाहिए कुछ प्रोग्रेस, ठीक है, अभी तक सरकार तो कुछ किया नहीं जी। अभी जब इलेक्शन है तो वो तो कम से कम कुछ करनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि अभी जो भागलपुर का आपका विधि व्यवस्था है सब कुछ एकदम टंच है, एकदम बिल्कुल आप खुश हैं उससे? बिल्कुल नहीं है टंच, कोई दुरुस्त नहीं है, कोई दुरुस्त नहीं है, खुश नहीं है आप उससे? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या कमी क्या है आपको जो? रोड वगैरह कुछ कमी ही कमी है, रोड कहीं नहीं है, गली में भी कहीं रोड नहीं है कुछ। तो मतलब आप जैसे इतना दिन से जो सत्ता में हैं, आप लोग ही वोट दे करके जिताए हैं अभी तक सत्ता में हैं, तो भाई कमी होता तब तो आप लोग वोटे नहीं देते, तो फिर बताइए कि मतलब क्या लगता है कि फिर से उनको ही जिताइएगा कि कुछ और नया कीजिएगा? देखिए अभी हम तो नहीं बता सकते किसको जिताएंगे। अच्छा, तो चचा जी अभी नहीं बता सकते हैं कि किसको जिताएंगे। चलिए दूसरे से पूछ लेते हैं, आइए। तब चचा जी बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? LIC ऑफिस से। अच्छा, सब्जी उब्जी लेके जा रहे हैं घर? यस। चलिए कोई बात नहीं, बताइए कि चुनावी माहौल में जो है आपका मिजाज कैसा है? हम तो नोटा वाला पार्टी है, हमको नोटा वाला पार्टी है, एकदम जो है मामला गंभीर है भैया। चलिए आगे चलते हैं, आइए आइए हमारे साथ में आइए, बड़ा भीड़ है, बाप रे। तो बताइए कि चुनाव के माहौल में आपका मिजाज कैसा है?
चुनाव के माहौल में मिजाज कैसा है? लॉकडाउन में तो भी आदमी खुद ही परेशान है। अरे भैया साहब का स्थिति वही है, हमरो वही है, आप कुछ नया बताइए। नया का चुनाव होगा, जिसको वोट होगा, जो अच्छे उम्मीदवार को देख के दिया जाएगा, राजनीति उम्मीदवार को नहीं दिखा जाएगा। अच्छा, जो उम्मीदवार अच्छा होगा अच्छा उम्मीदवार को देंगे। और बताइए कि कुछ परिवर्तन चाहते हैं या जो जैसे है वैसे? परिवर्तन तो हमेशा लोग चाहता ही है, रोड अच्छा हो, लाइट अच्छा हो, स्थिति जितनी भी अच्छी हो, नाली की हर जगह गली में सुविधा हो, रोड हर गली गली में बन जाए, पानी जहाँ जमा होता है वहाँ नहीं हो, ये तो सारे लोग सुविधा चाहते हैं। अब चाची दिख रहे, तब चाची कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले? यही यही अपना मार्केट करने। सब मार्केट करने कुछ कि हमारे लिए मार्केट कर लीजिएगा, तभी बताइए कि चुनाव का समय है तो मतलब क्या हो? हम लोग क्या इंटरेस्ट रखेंगे, जो नहीं रखिएगा आप ही लोग से तो जो है कि देश है उस समय लोग बात अपना करता है। देखिए आपका एक वोट से जो है कि सबका भविष्य बनता है, आप जो वोट दीजिएगा उससे सबका भविष्य बनेगा। अरे बाप रे, अंकल जी दिख गए, तब अंकल जी कहाँ से आ रहे हैं? मैडम बस यहीं से आ रहे हैं। अच्छा, यहीं से आ रहे हैं, ये आपकी पत्नी है, बहुत सुंदर है भाई। चलिए आप ये बताइए कि जो चुनाव का माहौल चल रहा है तो उसमें आपका मिजाज कैसा है एकदम? हम नीतीश कुमार को बस सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं भैया। चलिए बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अगर आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए जगह पे। तब तक के लिए जो है कि देखते रहिए चुनाव के रंग सोनम भौजी के संग सिर्फ और सिर्फ सिल्क टीवी पे। तब तक के लिए नमस्कार।